काम कर रहे हैं। 10 महिलाओं से शुरू किया था, ये आज 22,000 प्लस है हमारे साथ में। ये कैसे आपने शुरू किया ये, और अब 10 महिलाओं से और अब वो 22,000 महिलाएं बन चुकी, ये सब कैसे हुआ? मैं आपको मेरी पूरी स्टोरी बताती हूँ। वैसे मैं जब 4 साल की थी तो माँ के डेथ हो गई थी, और एक बेटी के लिए माँ का प्यार ही बहुत होता है, क्योंकि पहली शिक्षिका माँ होती है। माँ के बिना तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही मैं स्कूल जाते जाते 8वीं में स्कूल छूट गया, और 17 साल की थी तो शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और मैंने मेरी पहली संतान जो हुई उसको भी खो दिया, क्योंकि मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे कि मैं अच्छे से उसका इलाज करा पाऊँ। इसलिए मैंने सोचा कि अब घर में घुट घुट के जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो रही थी। उसने ये चूज रहा था मुझे, मतलब ऐसे घुटन टाइप हो रही थी, लेकिन करे तो क्या करे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं तो कुछ जॉब भी कर सके, या तो झाड़ू पोछा करो या कंस्ट्रक्शन का काम करो, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन फिर याद आया कि दादी के साथ में बैठ के बचपन में कसीदाकारी का काम सीखा था, इसी से कुछ करते हैं। तो फिर सुई धागा लेके बैठ गए, और सुई धागा से हमने एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी, जो ये एप्लिक का काम हुआ है, ऐसा ही एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी का काम मैंने शुरू किया। और जो एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी का काम था ये तो ठीक है, लेकिन इसका मार्केट कहाँ है, कैसे है, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वो मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा लोकल मार्केट में जब महिलाएँ मायके जाती है तो बैग लेके जाती है, तो ये बैग बनाना शुरू किया। और बैग बनाने के लिए जो कढ़ाई का काम था वो तो सुई धागे से हो जाता, लेकिन उसकी सिलाई थी वो मशीन चाहिए थी, वो मशीन मेरे पास नहीं थी, तो अब कैसे किया जाए। तो फिर मैंने अड़ोस पड़ोस की और महिलाओं से बात की कि आप भी मेरे साथ में कुछ काम करो, अपन मिलके करते हैं तो आसान हो जाएगा। तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, और उसमें 100-100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, और उससे हमने काम शुरू किया। अब काम शुरू हो गया था, लेकिन 10 महिलाओं के लिए काम लाना बड़ा मुश्किल था, फिर लोकल मार्केट में इतनी सेल नहीं हो रही थी। फिर हम जो हमारे अभी ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, उनके पास गए हम, और हमने बोला कि हमारा 10 महिलाओं का एक समूह है, और आप अगर हमारी कोई मदद कर पाओ, तो हमारे पास में काम नहीं, हम काम करना चाहते हैं। तो ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के अभी सेक्रेटरी हैं फिलहाल विक्रम सिंह जी, वो उनसे मिले, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम काम करवाना चाह रहे हैं, लेकिन महिलाएं काम करने के लिए तैयार नहीं है, आप भी आज आए हो कल आओगे नहीं आओगे पता नहीं। तो हमने कहा हम पे भरोसा करिए, हम काम करना चाहते हैं, आप एक बार हमें मौका दीजिए। तो फिर इन्होंने हमें सैम्पलिंग दिया, और वो सैंपल हम अच्छे से बना के लेके गए, तो उन्हें खुशी हुई, फिर हमें ऑर्डर का काम दिया, और ऑर्डर का 3 दिन का काम दिया। हमें बोला कि आप 10 महिलाएं हैं, ये 3 दिन का काम है, आप करके लेके आइए। लेकिन हमें इतनी खुशी थी, पहली बार हमें काम मिला था, हम नेक्स्ट डे ही वो सारा बना के लेके चले गए। तो उन्होंने बोला कि ये तो 3 दिन का काम था, आप एक दिन में कैसे करके ले आए। तो हमने बोला कि हमारे पास खुशी इतनी थी, रात भर नहीं सोए, हमने पूरी रात काम किया और करके ले आए। तो उनको विश्वास हो गया कि वास्तव में ये काम करने वाले हैं, तो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, मार्केट से और ऑर्डर लेके आए। जब हमारे पास में और ज़्यादा ऑर्डर आया, तो मैंने सोचा कि मेरे जैसी कितनी महिलाएं जिनके पास में रोज़गार नहीं है, जो
जो गांव में दूर दूर ढाणियों में बैठी हैं उनके पास तो कोई रोज़गार पहुंचता भी नहीं है, उन महिलाओं को साथ में जोड़ूंगी। तो फिर हम घर घर गांव गांव में जाते और उन महिलाओं को प्रेरित करते काम करने के लिए, क्योंकि हम सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर है, तो अपन हुनर को हुनर से ही कुछ करते हैं। लेकिन उन तक पहुंचने के बाद, वैसे मैं बता दूं वहां पे जाने के लिए सड़क नहीं है, वहां पे पीने के लिए पानी नहीं था, उस घरों में सिर्फ 5 घर में हम जा पाते थे। वहाँ पहुँचने के बाद भी उनके घर वाले बोलते कि आप क्यों आए हमारे घर में, हमारी महिलाएं जो घर का काम कर रही है वही बहुत है इनके लिए, आप पता नहीं क्या सिखा के जाओगे, कल ये हमारा कहना मानेगी नहीं मानेगी, कहाँ लेके जाओगे। तो फिर हम उनको समझाते हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, हम इनको काम देके जाएंगे और लेके जाएंगे, घर में ही ये सारा काम करेगी और जो भी इनके पास में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी। तो फिर कुछ महिलाएं साथ में जुड़ने लगी और उनके पास पैसे आने लगे तो और महिलाएं जुड़ने लगी। फिर हमें ये चल रहा था, इसी बीच में हमें एक दिल्ली आने का मौका मिल गया एग्जीबिशन के लिए। अब हम बाड़मेर से बाहर पहली बार आ रहे थे, क्योंकि कभी मैंने तो बाड़मेर शहर भी अच्छे से नहीं देखा था, तो दिल्ली आना मन में डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद में हमने स्टॉल लगाया और जब कस्टमर हमारे पास में आए तो उन्होंने बोला, बेटा ये इतना सुंदर काम आपने हाथ से बनाया है या मशीन से बनाया है? उन्होंने बोला ये हाथ का काम है। उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने जो हम प्रोडक्ट लेके आए थे सारा सेल हो गया था। उस टाइम हमारी 10-15 हज़ार सेल हुई थी। जब हमारी 15 हज़ार सेल हुई थी तो हमने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम अभी आगे और अच्छा काम करेंगे, नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हम जाके वापस अच्छी तैयारी करेंगे। तो मैंने जाके उन महिलाओं को बोला कि अब अपन को अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि पहली बार आए तो पता नहीं था कि कितना सेल होगा कितना नहीं होगा। तो फिर हमने एक साल पूरा मेहनत करी और अगले साल जब हम एग्जीबिशन में आए तो हमारी सेल आप बताइए कितनी हुई होगी। दुनिया 11 लाख की सेल हुई थी हमारी। उससे हमें क्या है, बहुत अच्छी हिम्मत मिल गई और वापस जाके हमने सोचा कि अब हमें इसमें कुछ नया करना है, और लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट भी बना दिया एनजीओ का। उसके बाद में हमने सोचा कि उस टाइम हम क्या बेड कवर कुशन कवर कर्टन्स ये बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एप्लीक में अपन क्यों ना ड्रेसें बनाते हैं, क्योंकि बेड कवर तो हर कोई बार बार नहीं खरीदेगा, लेकिन ड्रेसें तो हर कोई मतलब महीने में 10-15 भी खरीद लेते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। तो हमने ड्रेसें बनाना शुरू किया, एप्लीक में ड्रेसें कोई नहीं बनाता था, तो कुर्ते दुपट्टे फिर साड़ीज। तो फिर हमने देखा कि ये कपड़े बनाए हुए हैं समेटे हुए तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कैसा लगेगा पहनने के बाद, तो अपन इसमें और क्या कर सकते हैं। फिर सोचा कि क्यों ना फैशन शो किया जाए, तो फिर हमने फैशन शो करने का सोचा, क्योंकि पहले हम डर था कि फैशन शो सिर्फ शॉर्ट कपड़े पहनना यही फैशन होता है, हमें नहीं पता कि हेरिटेज फैशन शो भी होता है। तो एक राजस्थान में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ पे बड़े डिजाइनर भाग ले रहे थे, तो हमने उनसे जाके रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोले आप आर्टिजन हो, यहाँ पे बड़े डिजाइनर है वो फैशन शो कर रहे हैं, आप इनके साथ कैसे कर पाओगे? ये बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहम ठाकुर, रोहित कामरा, रोहित बल ये कर रहे थे। लेकिन हमने बोला हमारी इच्छा है एक बार हमें आप मौका दीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आपको मौका देते हैं। वहाँ से मौका तो मिल गया, लेकिन अब चैलेंज ये था कि अब कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैसे किया जाए वो नहीं पता, कलर थीम कैसे बैठाएंगे। तो फिर हमने बड़े एनजीओ से मदद मांगी कि हमारी मदद करिए आप, हमें फैशन शो करना है, एक कलेक्शन बनाना है। तो उन्होंने बोला कि ये आपके लेवल का काम नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हो वहीं पर करिए, ये आपके लेवल का नहीं है। तो फिर हमें लगा कि हमें मदद करने वाला कोई नहीं है, हम खुद ही काम करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा भी हुआ, क्योंकि उस टाइम वो अगर हमारी मदद कर देते तो हम खुद डिज़ाइनर नहीं बनते। लेकिन फिर हमने सोचा हम खुद ही करेंगे, तो नेट से मेजरमेंट निकाला, वो किया सारा मॉडल्स की साइज़ वगैरह, कलर क्या चल रहे हैं अभी समर का विंटर का सारा वो देख के फिर हमने एक कलेक्शन तैयार किया। और कले जब हमारे रैम्पो की बारी आई तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बड़े डिजाइनर वहाँ पे शो कर रहे थे, अपने प्रोडक्ट को कौन पसंद करेगा। लेकिन जैसे ही रैम्प पे आए अपने प्रोडक्ट तो सारे डिजाइनर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, इतना सबको पसंद आया और नेक्स्ट टाइम सब बाड़मेर भी पहुँच गए, सबका कलेक्शन एप्लिक में बना।
लेकिन ये काम जब हमने स्टार्ट किया तो ये मुझे नहीं पता था कि इस काम के जरिए कोई अवार्ड भी मिलेगा या कोई सराहना भी मिलेगी। मैंने तो मेरे खुद के रोज़गार के लिए शुरू किया था, लेकिन उसके बाद में जिला स्तर पे अवार्ड, राष्ट्रीय राज्य स्तर पे अवार्ड, फिर नेशनल अवार्ड जो नारी शक्ति पुरस्कार होता है वो राष्ट्रपति जी ने दिया, उसके बाद में इंटरनेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल एग्जीबिशन किया, इंटरनेशनल फैशन शोज की, आज मैं पूरी इंडिया में ट्राइबल्स आर्टिजन है उनके फैशन शो करवाती हूँ, क्योंकि ट्राइब्स जो ट्राइब्स आर्टिजन है उनके कला को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेज में ये फैशन शो करवा के उनकी कला को प्रमोट कर रही हूँ। तो मतलब पहला फैशन शो करने के लिए मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन आज पूरी इंडिया में मैं खुद ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ फैशन शो, और उसी के साथ में मुझे KBC में बुलाया गया कौन बनेगा करोड़पति में, वहाँ से कॉल आया मेरे पास में, तो मुझे लगा कि मुझे KBC में कौन बुलाएगा, ये फेक कॉल हो सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं वो कॉम्पिटिशन करके पहुँच जाते हैं KBC, मैं कैसे पहुँचूँगी और कैसे वहाँ सवाल जवाब। तो उन्होंने बताया कि हमारा एक स्पेशल शो होता है करमवीर, जिसमें हमें सम्मानित करते हैं और स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं जो अच्छा काम करते हैं उनको। फिर मुझे यकीन हुआ कि ये वास्तव में ये बुला रहे हैं। इतनी खुशी हो रही थी कि वहाँ जाएंगे, अमिताभ बच्चन जी से मिलेंगे, पता नहीं कैसे बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर उनकी टीम आई बाड़मेर, वहाँ पे 3-4 दिन की शूटिंग हुई, फिर दिल्ली में हमारा एक फैशन शो हो रहा था वहाँ पे आके उन्होंने शूट किया। जब वहाँ पहुँचे तो और अमिताभ बच्चन जी के साथ में बैठे, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था, दिल धड़क रहा था कि कैसे बात करवाएगी, लेकिन उन्होंने जब बात शुरू की एकदम सहजता से, मतलब घर के मेंबर जैसे बात की, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। क्योंकि अभी मुझे जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल रहा है 7 जनवरी को, जो बॉम्बे में मिलेगा, 10 लाख रुपये की राशि और वो सर्टिफिकेट देंगे। और उसके बाद में मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हूँ USA में फरवरी में, तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि हर महिला को प्रेरणा मिलेगी कि एक अनपढ़ महिला हो के इतना कर रही है, तो हम पढ़े लिखे क्यों नहीं कर सकते। अब मेरे पास में तो समय की भी बॉन्डिंग थी, लेकिन उनको हर तरीके से मौका मिल रहा है पढ़ने का, काम करने का, सक्षम होने का। तो हर महिला को महिला का सपोर्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अपने हक के लिए खुद को लड़ना चाहिए, और हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने, हम सब खुद पे विश्वास है तो अड़े रहें, खड़े रहें।